मेरे वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अर्मला हसन। आज मैं ब्लैक डे मना रही हूँ और मैंने ये नोटिस किया सुबह अपने कपड़े जब मेरे हैंग हुए थे कि मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा ब्लैक पहन रही हूँ और मुझसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहन रही है, तो मुझे इस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इवन कल मैं शॉपिंग देख रही थी अपनी, उसमें जितनी चीज़ें थी सब ब्लैक थी और मैंने कल अपनी फ्रेंड को बोला मैंने जी ब्लैक लेने लगूँ तो मुझे फ़ौरन रोक देना, इतना ज़्यादा ब्लैक कलर आपके पास इकट्ठा हो जाता है कि एक ही तरह की आपके पास 100 चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो जनाब बहुत सारे लोगों का ब्लैक कलर फेवरेट भी है, कहा जाता है कि अच्छा कलर है लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसको कम पहनना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ब्लैक विंटर्स में तो ब्लैक ही चलता है और आप एक ब्लैक ट्राउजर लो उसके साथ सारे आप शॉर्ट्स मैच कर लो। तो जनाब ब्लैक कलर के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी, लेकिन अब थोड़ी सी डिस्कशन और आपके साथ शेयर करते चलते हैं। जनाब बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ये तो हम हर बार जब भी कोई रिसर्च में पढ़ती हूँ या आपके साथ शेयर करने लगती हूँ मुझे अंदाज़ा होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जनाब ऐसा स्कूटर चलाने का अगर आप शौक रखते हैं जिसमें आप बैठ कर जेरे आब यानी कि पानी के अंदर जाकर चीज़ें देख सकते हैं, तो जनाब ये अनोखा स्कूटर आप ही के लिए बना है और ये आपको समंदर के अंदर की सैर कराएगा। जनाब एक कंपनी ने आपको जो है रेंट पर देने के लिए एक आबदोज नमा स्कूटर फराहम करती है जो इसके ज़रिए आप समंदर में जाकर वहाँ के माहौल और आबी हयात का जो कह रहे हैं मुशाहिदा भी कर सकते हैं, चीज़ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और ये स्कूटर जो है आपको तकरीबन 15 फीट गहरे पानी में लेकर जा सकता है और इसके लिए आपको स्कूटर में बेसिकली एयर बबल लगा हुआ है जिसमें आपको किसी ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप खुश रहकर भी नीचे जो आबी हयात हैं उनके साथ आप चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की स्विमिंग का तजर्बा होना भी ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता इसे डाइव करने से पहले आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप स्कूटर चलाना सीख सकें और ज़ेरे आप जाकर ये सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त सा एक है, जिनको पानी से फोबिया नहीं है वो तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अब ये तो था रिसर्च हमने आपके साथ शेयर कर ली, अगली रिसर्च भी अब आपके साथ देखते हैं फैशन के हवाले से। जनाब हम करने वाले हैं फैशन किस तरह से क्या क्या तरीकों से किया जा सकता है और अगर आप मलबूसात बनाने की बात करें तो कचरे से मलबूसात बने, यह आपने पहली दफ़ा सुना होगा। जनाब ऐसा ही है, रूस में एक फैशन डिज़ाइनर है जो जिनकी जो स्किल्स है या महारत की बहुत ज़्यादा धूमें मची हुई हैं, जो कचरे से मलबूसात तैयार करते हैं। नाकाराशा से बने ये जो ड्रेसेस हैं इनको देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये कचरे और नाकारा चीज़ों से बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत हैं, दीदा जेब हैं, लोग इसको ख़रीदते भी हैं, पहनते भी हैं और फैशन शो भी बाकायदा तौर पर मुनक्कद किया गया जिसमें मॉडल्स ने लिबास पहनकर वॉक किया। देखने वाले हैरान रह गए कि किस तरह से चीज़ों को रिसाइकल करके इन्होंने ड्रेसेस बनाए हैं और इवन वो फैशन में भी हैं। तो जनाब सुबह सुबह हम योगा की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है, और आज हम आपको जो बताने वाले हैं योगा के टिप्स वो है हार्मोनल डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस की जो होती है उसको योगा के जरिए किस तरह से क्योर किया जा सकता है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी जनाब हुमैरा खुरम जो कि योगा एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो हुमैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हुमैरा। वैसे तो हमें आप बताती रहती है, बहुत सारे लोग भी जो योगा के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि योगा बहुत सारी चीज़ों का इलाज है। बिल्कुल, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है खवातीन में। आजकल जितनी ख़वातीन हैं जितना भी उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बच्चियों का उनका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, वो सिर्फ उसका मेन कॉज जो है उसका हार्मोन डिस्टर्ब। और हम जो जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है वो बेचारे अगर ट्रेडमिल पे भागते रहेंगे या क्रैश डाइट करते रहेंगे या कुछ भी करते, जब तक वो अपने हार्मोन पे काम नहीं करेंगे ना, अपने हार्मोन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक उनका मसला हल नहीं हो सकता। तो हम स्पेसिफिकली योगा में ऐसे पोजेज हैं जिससे हम स्पेसिफिकली उनके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। ठीक है जी, जैसे आपकी ओवरीज में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि हार्मोन सबसे ज़्यादा ओवरीज में बनते हैं और पूरी बॉडी जो है हमारी हार्मोन पे ही सारा सिग्नल हमारे ब्रेन से जाते हैं, तो हार्मोन से ही सारा सब कुछ बैलेंस है। तो हम जब योगा के थ्रू उनके हार्मोन्स को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि जब मेरे पास लड़कियाँ आती हैं वो कहती हैं हम तो 3 साल से जब मशीन्स कर रहे थे या इतनी क्रैश डाइट कर रहे थे तो हमारा वेट कम नहीं हुआ, लेकिन 3 क्लासेस लेने के बाद 2 से 3 केजी कैसे कम हो गया, उसकी सिर्फ मेन कॉज उसका यही था कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस। तो आप अगर अपने हार्मोन, जैसे अब एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जिन लेडीज़ में प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके लोअर पोर्शन हमेशा ज़्यादा होता है, उनकी थाइज और ये लोअर एब्डोमिनल बहुत ज़्यादा बहुत बढ़ जाता है। अब वो सिर्फ डाइट पे काम करती हैं या वो रनिंग कर रही हैं या वो मशीन्स पे, वो अपने हार्मोन को बैलेंस नहीं करती। तो इसमें योगा में हम स्पेसिफिकली हार्मोन को बैलेंस करवाते हैं, जिन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जब तक उनके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे वो उनका हल नहीं होगा। तो आज किस तरह के योगा के आसन आप हमें बताएं? मैं 2-3 आसन ऐसे बताऊंगी आपको जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। एक तो पहले मैं आपको स्ट्रेच का बता दूँ, स्ट्रेच करना जरूरी है। ये स्ट्रेच में जो मैं बता रही हूँ
इसमें ये है सूर्या नमस्कार, लेकिन इसमें मैंने वेरिएशंस बहुत सारी दे दी जी। सूर्या नमस्कार का है, लेकिन ये जब आप ऊपर जा रहे हैं ये देखिए ताड़ आसना में, हस्तपदान आसना भी इसे कहते हैं, जब इसमें इसमें वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अब सांस को बाहर निकालते हुए नीचे आए, सांस बाहर निकालते हुए नीचे आए, ये देखिए ये पूरा आपका स्ट्रेच भी है और उसमें आपके ये सूर्य नमस्कार है, लेकिन उसके कुछ उसमें वेरिएशंस की हुई है मैंने। ये देखिए इसमें अब बहुत सारे पोज आ गए, ये दंड आसना आ गया। ठीक हो गया। इसमें आपने चिन को पीछे ले गए, इसे स्टिक पोज कहते हैं, दंड आसना कहते हैं। डबल चिन कम होती है जी, डबल चिन भी कम होती है, ये बैक के लिए आपकी बहुत जबरदस्त है, पूरी बॉडी का स्ट्रेच है दंड आसना। सही हो गया। अब नीचे आया, ये स्ट्रेच बेसिकली है जी। अब देखिए इसमें मैंने प्लैंक भी ऐड कर दिया हुआ है, इसमें ये प्लैंक है, इसमें चिन ऊपर रखें तो आपकी बैक पे ज्यादा स्ट्रेच आएगा। इसमें आपने 30 सेकंड स्टे करना है, उसके बाद नीचे आ जाएं आराम से। तो कोबरा पोज जो बिगिनर्स हैं वो 30 सेकंड कर सकते हैं जी, 10 सेकंड से भी कर सकते हैं जी। अब चिन, अब इसमें आप ये थायराइड ग्लैंड है देखें यहाँ, ये भी आपके हार्मोन यहाँ से इम्बेलेंस। अब जिनका थायराइड ग्लैंड जो है ना उसमें वो बहुत ज्यादा जब वो बढ़ जाता है ना तो आपका वेट तेजी से गिरना शुरू, अगर स्लो हो जाए तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड का मसाज है। इसमें हम एक बंद भी लगाते हैं, जलंधर बंद, अड़ी बंद, मोल बंद, तीन बंद होते हैं। जब हम थायराइड ग्लैंड का बंद लगाते हैं इसे जलंधर बंद कहते हैं। अब जब इसको आप ऊपर लेके जाते हैं, जितनी चिन ऊपर लेके जाएंगे उतना थायराइड का मसाज है, और जब चिन जितना नीचे लेकर आएंगे ये आपका बंद लग जाएगा। अच्छा। ये आपके हार्मोन बैलेंस। अब इसमें नीचे आ जाए, ये साइड प्लैंक, इसी में मैंने ये पूरी वेरिएशन की हुई है। ये देखिए साइड प्लैंक, ये पहले आप राइट साइड पे करेंगे, स्विच साइड, लेफ्ट साइड पे, ये एक ही स्ट्रेच में आ रहा है ऊपर से पूरा एक, इसका मैंने आपकी पूरी वो बना दी है सीधे। ठीक है जी, सही है। ये साइड प्लैंक इसके स्विच करके कितने सेट्स करेंगे इसके? अभी ये पूरा एक है, जब आप खड़े होंगे और नीचे आएंगे पूरा अभी ये एक सेट। अब इसमें धरुनासना ये करेंगे, दोनों पाँव को पीछे से पकड़ेंगे, इसे कहते हैं धरुनासना। लेकिन मेरा ये जो बिगिनर्स हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए मुश्किल है, या आप किसी बैंड के साथ भी पकड़ के कर सकते हैं, किसी बैंड को पकड़ के भी कर सकते हैं, या जितना भी आप इजीली ऊपर आ सकते हैं, इसे धरुनासना कहते हैं। अच्छा, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है मेरा उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे अगर हम कोई ऐसा पॉस्चर भी होता है योगा का जिनको लिए उनको सहारे की जरूरत होती है, वो किस तरह से करें? कैन यू इमेजिन कि मेरे पास जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट जो बिल्कुल जिनकी बॉडी ब्लॉक थी ना, आप मेरा पेज है कर्व्स के नाम से योगा का, तो मैंने सारा उनका मेंशन किया हुआ है। जितने लोग भी मेरे पास आर्थराइटिस की बच्चियां आती हैं जो व्हीलचेयर पे आती थी, जो बैठ भी नहीं सकती थी, अब माशाल्लाह वो रनिंग करती हैं। अच्छा। जी, 2 मंथ्स के बाद, सिर्फ तो 2 मंथ्स। किस तरह से? योगा में जो आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स पेन है ना, इसका इलाज सिर्फ योगा है। अगर आप इसका मेडिसिन की तरफ जाएंगे ना तो वो आपको स्टीरॉइड देंगे, उसके बाद आपको कैंसर मेडिसिन देंगे जो कैंसर क्योर के लिए, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन योगा 100% इसका इलाज है। एक तो हम ब्रीदिंग से आपकी बॉडी में रिजुविनेशन करते हैं, दूसरा आसना से आपकी बॉडी में रिजुविनेशन। अच्छा, तो जो जॉइंट्स के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो जब कभी मशीन या जिम की तरफ ना जाएं, वो योगा की तरफ जाएं हमेशा। अच्छा, क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए योगा के लिए? जी ऑब्वियसली सुबह जब सूरज निकलता है तो इसीलिए कहते हैं कि सूरज की जो श्वाएं आपके ऊपर पहली जो किरणें पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होती हैं। विटामिन डी भी आप इससे लेते हैं, उससे भी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा। उस वक्त अगर आप सुबह के टाइम करें और खाली पेट, योगा हमेशा खाली पेट करते हैं, या फिर अगर आपने शाम में करना है तो 3 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों में 10 मिनट से आप स्टार्ट कर लें, 10 मिनट से आप स्टार्ट करें, छोटे छोटे आसन करें 10 मिनट रोज, उसके आप एक अपने रेजीम बना लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे पर घंटे पर शिफ्ट करें। अच्छा, बच्चों में भी हमारा बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, उनके लिए क्या बताएंगे आप? योगा उसमें उतना ही इफेक्टिव, किस तरह के 8 साल से लेके 80 साल तक बच्चे योगा कर सकते हैं। अच्छा, 8 साल से 80 साल तक के लोग कर सकते हैं योगा? योगा जो है ये एक तो उनके लिए आपके ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आप अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व करते हैं ना, क्योंकि सबसे बेसिक तो आपकी ऑक्सीजन ही है ना, कि कितनी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रॉपर ब्रीदिंग ही नहीं करते, हमें तो आदत ही नहीं है, हम तो नीचे पेट तक तो सांस लेते ही नहीं है। तो योगा से ओबेसिटी को सबसे ज्यादा कंट्रोल योगा से ही किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप कार्डियो, एक मिसकंसेप्शन है कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना जंप करेंगे, जितना भागेंगे, जितना जुम्बा, उससे आप अपनी नीज को नुकसान कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स का नुकसान कर रहे हैं। जितनी जंप, नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा जंप्स करवा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मेरे पास कल भी एक बच्ची आई है, जाते साथ उसने वो ज्वाइन किया उनका जिम और उसको नी इंजरी हो गई। 10 kg, 20 kg वेट उठवा के और फिर जंप्स करवाते हैं, ये बहुत नुकसानदेह। ये आपकी सूदिंग एक्सरसाइजेस जो है ये आपके मसल पे इफेक्ट करती है। ठीक हो गया। मेरा आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहूँगा?
मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने बच्चों को भी हमेशा इसकी तरफ लेकर आएं कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जंक फूड की तरफ ना जाएं, बिल्कुल नेचर के पास आ जाएं। ये जो नेचर के पास आएंगे उतनी ज़्यादा अफादियत होगी। ये देखें ना, जिससे पांच एलिमेंट से मिलके यूनिवर्स बना है, उन पांच एलिमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, आग, हवा, आसमान, रोशनी, पानी और ये मिट्टी। मिट्टी के पास तो हम जाते ही नहीं, अपने बच्चों को गार्डन में नहीं लेके जाते। जब भी उनको पार्क में लेके जाएं, उनसे कहें कि वो नंगे पाँव उस पर चलें जरूर। अपने घर में मिट्टी के बर्तन जरूर यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत फायदा। जितना नेचर के पास जाएंगे अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मेरा, बहुत शुक्रिया आपका कि सुबह योगा के हवाले से मेरे ने बता दिया। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, न्यूज स्टोरीज हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।